18 मार्च को पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। खुशियों और रंगों का ये त्यौहार हिंदू धर्म में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। लोग इस दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई देते हैं। होली के दिन रंग गुलाल खेलने का अपना धार्मिक महत्व है, लेकिन इन रंगों और गुलाल में मौजूद केमिकल हमारे बाल और त्वचा के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं। ऐसे में होली में रंग खेलने से पहले कुछ बातों का अगर आप ध्यान दे दें तो ये केमिकल युक्त रंग आपका कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। ऐसे कपड़े पहनिए जो आपके शरीर को पूरी तरह से ढक ले। इससे आपके शरीर पर कम से कम रंग लगेगा और इसे छुड़ाना भी आसान हो जाएगा। बॉडी का जो हिस्सा खुला हो उस पर तेल या कोल्ड क्रीम लगा ले। इससे ये होगा कि ऑयली स्किन पर रंग नहीं रुकेगा और बाद में नहाते समय कम वक्त में ही ये छूट जाएगा। होली के दिन अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो टैनिंग से बचने के लिए वाटरप्रूफ सनस्क्रीन जरूर लगा लें। होली खेलने के दौरान खूब पानी पिएं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से त्वचा में नमी रहेगी और स्किन ड्राई नहीं हो सकेगी। अगर होली खेलते समय शरीर के किसी हिस्से में खुजली या जलन हो रही है तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी डाल लें। अगर फिर भी जलन हो रही है तो तुरंत ही किसी स्किन डॉक्टर से सलाह लें। होली खेलने से पहले बालों में अच्छी तरह से तेल लगाएं, ताकि बालों की जो समस्या है, बालों में जो केमिकल लगेगा उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। होली खेलते वक्त कई बार रंग गुलाल आंख के अंदर चले जाते हैं, ऐसे में सनग्लास या ग्लेयर्स पहनकर होली खेलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आंखों को लगातार पानी से धोते रहें। होली पर कोशिश करें कि ऑर्गेनिक कलर्स का ही इस्तेमाल करें। इस तरह के रंग आपकी स्किन, आंख और बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। होली खेलने के दौरान हाथ धोकर ही खाना खाएं। ऐसा करने से रंग में मौजूद केमिकल हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। कोरोना मामलों के बीच उचित दूरी का पालन जरूर करें और पर्यावरण के अनुकूल इन बातों का ध्यान रखकर ही होली मनाएं और खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाएं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।